खबर झांसी के मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के नावादा बालूघाट से है, जहां झांसी जिले के खनिज अधिकारी भूपेंद्र यादव अपनी टीम के साथ घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने घाट पर छापामार कार्रवाई की। लेकिन कार्रवाई क्या की ये अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि खनिज अधिकारी जांच कर आख्या जिले प्रशासन को देने की बात कहकर भाग निकले, जिसके बाद खनिज अधिकारी की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के नावादा बालूघाट पर एक प्राइवेट कंपनी द्वारा बालू का ठेका लिया गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उक्त कंपनी सरकार के मानकों को ताक पर रखकर बालू का खनन कर परिवहन कर रही है, जिसकी शिकायत स्थानीय निवाड़ी योगेंद्र बुंदेला ने जिला प्रशासन से की। वहीं शिकायत के बाद आज झांसी जिले के खनिज अधिकारी भूपेंद्र यादव अपनी टीम के साथ छापामार कार्रवाई करने पहुंचे, लेकिन इस खबर को मीडिया को मिलते ही मौके पर पत्रकारों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो वह जांच कर कार्रवाई की बात कहकर निकल गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या शिकायतकर्ता की शिकायत सही है और उसने आरोप लगाए हैं, या फिर खनिज अधिकारी, कौन सही कौन गलत, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि खनिज अधिकारी की चुप्पी कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करती है। जिले के ईमानदार जिला अधिकारी को जिले में हो रहे खनन को खुद संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी बालू माफियाओं पर लगाम कस सकेगी। आपका जो आज खनन टीम आई थी आपके नवादा में, क्या हुआ वहाँ पर जांच टीम पाया गया? हमें कल फोन लगा के खनिज इंस्पेक्टर द्वारा कहा गया कि आप ऑफिस में आओ, हमें आपसे वार्ता करनी है। तो मैं झांसी चला आया है, वो मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं 2 बजे तक ऑफिस में बैठा रहा, इसके बाद जानकारी लगी कि वो कह रहे कि अभी नहीं आ पाएंगे, अब आप वापस जाओ। और मेरी ग्राम पंचायत नवादा में एक सेवा कारपोरेशन के नाम से अब खनन का पट्टा हुआ है, उस पट्टे में लगभग 15 से 20 फुट गहरा पानी निकाल के खनन किया जा रहा है, जिसकी मैं बार बार शिकायतें यहाँ से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक कर चुका हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे स्पष्ट है खनिज अधिकारी, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी की सह पे ही खनन चल रहा है। मऊ से रवि परिहार की रिपोर्ट।